हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस गीगा पिछली वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बेसिक चीज़ें करी थी और उसी सीरीज को हम आगे लेके जाएंगे और फर्दर आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम सिमेट्री ऑपरेशन एंड बी सी सी एफ सी सी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पहली चीज़ अगर आज हम देखें तो कि लैटिस प्लेन क्या होता है जैसे अगर हम अपने लैटिस को इन पॉइंट्स के साथ डिनोट करते हैं तो ये हर पॉइंट हमारे पास क्या होता है लेटेस्ट पॉइंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था और अगर इन लेटेस्ट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें जैसे ऐसे इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या फॉर्म हो रहे हैं लेटेस्ट प्लेन्स ठीक है ये लेटेस्ट पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके हमारे पास जो भी प्लेन आएगा इसे हम कहेंगे ये जो क्या क्या बना है हमारे पास लेटेस्ट प्लेन और इनकी एक और फीचर होगा कि ये सारे लैटिस पॉइंट्स लैटिस प्लेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल uh, होंगे और हर लैटिस प्लेन के बीच में सेम डिस्टेंस होगा जैसे अगर ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि ये डी डिस्टेंस है तो ये जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास डी डिस्टेंस होगा तो ये लैटिस प्लेन्स हैं और भी टाइप के हम फॉर्म कर सकते हैं लैटिस पॉइंट प्लेन्स जैसे अगर हम ये वाले सॉरी uh, अगर हम ऐसे डायगनली अगर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो एक ये प्लेन बना हमारे पास देन अगर ये वाले पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें ये एक हमारे पास लेटेस्ट प्लेन बनेगा देन ये वाले पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें अगर हम सेम अगर आप सेम पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे सेम डिस्टेंस के साथ और ये डायगनली अगर आप ये प्लेन्स बनाओगे तो आपके पास सेम uh, मतलब डिस्टेंस वाले प्लेन्स आएंगे जैसे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा और ये डिस्टेंस भी सेम होगा ये अगर डी है तो ये भी डी डिस्टेंस होगा और ये दोनों तीनों प्लेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो लेटेस्ट प्लेन्स क्या होते हैं लेटेस्ट प्लेन्स होते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी हमारे पास प्लेन्स आएंगे उन्हें हम लेटेस्ट प्लेन्स कहते हैं देन वी विल मूव ऑन टू विग्नर सीड्स सेल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं वो यूनिट सेल्स जिनके जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं जैसे अगर हम कोई यूनिट सेल ड्रॉ करें थ्री डायमेंशन में अगर हम हम ड्रॉ करें तो इस ये क्यूबिक सिस्टम बना हमारे पास इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे जब हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम प्रेमेटिव यूनिट सेल कहते हैं तो ये जो विग्नर सीड्स सेल होता है ये भी एक प्रिमेटिव यूनिट सेल ही होता है ये हमेशा प्रमेटिव यूनिट सेल होगा और इसके फीचर्स क्या है कि अगर हम टू डायमेंशन में देखें तो विघनर सीड्स सेल जो है वो ऑक्यूपाई करेगा स्मॉलेस्ट एरिया ठीक है और अगर हम थ्री डी में देखें तो ये ऑक्यूपाई करेगा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम मतलब कि विग्नर सीट सेल एक ऐसा प्रमेटिव यूनिट सेल है जो कि स्मॉलेस्ट एरिया ऑक्युपाई करेगा अगर हम टू डायमेंशन में देखें और अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल को डिनोट करेगा हमारा जो भी लेटेस्ट है उसमें ठीक है एक तो होता है ना कि सिंपल यूनिट सेल हमने डिस्कस किया कि जो एक ऐसी यूनिट जिसे रिप, रिपीट करने पे हमारे पास पूरा एक लेटेस्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा अब यूनिट सेल का भी एक ऐसा टाइप जो सबसे छोटा हो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा हमारे यूनिट सेल का उसे हम कहेंगे विगनर सीड्स सेल और इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अगर हम ऐसे lattice points को करें और अगर हम consider कर लें कोई भी एक एग्जांपल अगर हम ये वाला लेटेस्ट पॉइंट कंसिडर कर लें तो विग्नर सीट सेल से ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने ठीक है इस लेटेस्ट uh, पॉइंट के सबसे नियरेस्ट नेबर्स जो हैं उनके साथ इसे ज्वाइन कर दो इसका ये नियरेस्ट नेबर है ये भी इसका नियरेस्ट नेबर है ठीक है तो ये हमने इसके नियरेस्ट नेबर्स ड्रॉ कर दिए अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इसके नियरेस्ट नेबर्स के साथ ही जो लाइंस ड्रॉ करी हैं इनके परपेंडिकुलर हम एक बिल्कुल सेंटर में से लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है सिमिलरली इस लाइन पे भी हम परपेंडिकुलर और बिल्कुल सेंटर से ठीक है अगर ये हम डिस्टेंस मान रहे हैं तो ये जहां से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ये हम कंसिडर करेंगे कि इसका सेंट्रल डिस्टेंस है ठीक है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा ये तो ये जो हमारे पास अब एक सेल बन के आया इसे हम कहेंगे विगनर सीड सेल तो ये हमारे पास पोर्शन किया जाएगा सीड्स सेल हमारे पास ये बन के आ गया ठीक है अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं अब सिमेट्री ऑपरेशन होते क्या हैं? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं ठीक है जब हम अपने किसी भी क्रिस्टल के ऊपर इन ट्रांसफॉर्मेशन को या इन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल है हमारा वो एज इट इज सेम ही रहेगा मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अगर पहला ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन हैं फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन ये जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन है ठीक है ये हर क्रिस्टल जो है वो फॉलो करेगा मतलब एक कंपल्सरी कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो हर क्रिस्टल को फॉलो करना ही पड़ेगा ठीक है अब इसका मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में हमारे पास एक ट्रांसलेशनल सिमेट्री वेक्टर होता है ठीक है ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी एन वन ए वैक्टर प्लस एन टू बी वैक्टर प्लस एन थ्री सी वैक्टर अगर हम थ्री uh, डायमेंशन की बात करें तो अब ये होता क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर हम टू डायमेंशनल केस लें ठीक है अब देखेंगे कि ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता है कैसे और ये ट्रांसलेशनल uh, जो वेक्टर हमने डिस्कस किया है वो क्या होगा अगर हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारे पास एक प्लेन ही कंसिडर होगा ठीक है तो हम लेटेस्ट पॉइंट्स के साथ एक प्लेन बना लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम एट प्रेजेंट ए पोजिशन पे खड़े हैं ठीक है ये जो लेटेस्ट पॉइंट है ये ए है और हमें जाना है इस बी पॉइंट के ऊपर ठीक है यहां से हमें ट्रांसलेट करके यहाँ पे जाना है बट हम चाह रहे हैं कि जो हमारी क्रिस्टल uh, है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम रहे हर डायरेक्शन में ठीक है क्योंकि ऑपरेशन अगर सिमिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए हमारे पास एज इट इज़ हमें ऐसे लगना चाहिए कि इसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन ही नहीं लगवाया ठीक है तो अगर हम ए पॉइंट्स बी पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो इस ऑपरेशन uh, के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर दैट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन हम लगाएंगे तो इस इसे हम डिनोट करेंगे टी वेक्टर ये जो ए बी है इसे टी वेक्टर कहेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ठीक है ये जो एन वन है ये डिनोट करेगा कितने स्टेप्स हम मूव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जाएंगे ए वैक्ट ए बी वैक्ट ए बी वेक्टर अगर हम देखें जो कि टी वेक्टर है इसको अगर हम रिजॉल्व कर दें तो हमारे पास एक ये एक्स वाली साइड पे एक डिस्टेंस आएगा ठीक है फॉर एग्जांपल ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस है ए ठीक है हर लेटेस्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ए है तो अगर हम एक्स डायरेक्शन वाली साइड जाए तो हम कितना मूव हुए सिर्फ एक ही यूनिट मूव है तो यहाँ पे क्या जाएगा वन एंड यहाँ पे आ जाएगा ए वैक्टर प्लस अब हम ऊपर जाएंगे ठीक है इस डायरेक्शन में बी के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप आया देन सेकेंड स्टेप और ये कितना था ए वेक्टर और ये भी कितना है ए वेक्टर तो हमने दो स्टेप्स फॉलो किए तो यहाँ पे एन टू की वैल्यू क्या जा, क्या आ जाएगी टू और ये जो बी वेक्टर है ये अगेन हमारा हमारा ए वेक्टर होगा क्योंकि हमने क्या किया है दो स्टेप्स मूव हुए हैं ठीक है एक्चुअली में इसे हम ये टोटल जो है इसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी वैक्टर डिनोट कर दें ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो इसे हम बी वैक्टर कह लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बी वैक्टर आया कि एन वन और एन टू क्या है कि कितने स्टेप्स हम जो लेटेस्ट पॉइंट्स है उनके बीच में मूव होंगे और ये जो ए और बी है वो डिस्टेंस है बिटवीन द लेटेस्ट पॉइंट्स तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और इस ऑपरेशन को हमें हम कहेंगे ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन और हर क्रिस्टल इस ऑपरेशन को फॉलो करेगा ही करेगा ये एक कंपल्सरी कंडीशन होगी हमारे किसी भी लैटिस किसी भी क्रिस्टल के लिए देन अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें तो हम एन वन एन टू और एन थ्री सभी को कंसिडर करेंगे देन हमारे पास सेकेंड सिमेट्री ऑपरेशन है रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन अब रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर हम अपने क्रिस्टल को रोटेट कर दें किसी एंगल के साथ तो जो हमारा क्रिस्टल है वो अनचेंज रहेगा मतलब कि वो हमारा जो क्रिस्टल है वो एज इट इज सेम रहेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कोई टू डायमेंशन में अब अप, हम अपने क्रिस्टल को कंसिडर कर रहे हैं ठीक है इसे अगर हम नाइन्टी डिग्री रोटेट कर दें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इसके नेबरहुड में अगर हम देखेंगे रोटेशन करवाने के बाद तो वो सेम हमारे पास जो कंडीशंस थी वो पहले वाली वो सेम रोटेशन के बाद भी दिखनी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास कितनी फोल्ड ऑफ रोटेशन है हम कितना किस किस एंगल uh, के साथ उसे रोटेट कर सकते हैं या कितने टाइप्स हम रोटेट कर सकते हैं ठीक है वो हम देखते हैं फोल्ड ऑफ रोटेशन यह है एन विच इज इक्वल टू टू पाई बाय थीटा ठीक है ये हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोल्ड्स अगर हमें कंसिडर करने हैं थीटा क्या है हमारे पास रोटेशनल एंगल होगा किस एंगल के साथ हम इसे रोटेट करवाएंगे अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि एन की वैल्यू क्या होगी वन टू थ्री फोर और सिक्स ठीक है यहाँ पे फाइव नहीं आता मतलब कि फाइव फोल्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल वाई बिकॉज अगर हम फाइव फोल्ड रोटेशन करेंगे मतलब कि पांच बार अगर हमने सेम एंगल के साथ रोटेशन करवाई तो हमारे पास आ, क्या कहते हैं वो जो सिमेट्री है हमारे क्रिस्टल की वो हमें नहीं मिलेगी ठीक है इसी वजह से फाइव फोल्ड रोटेशन हमारे पास नहीं होती ठीक है और अगर हम एंगल की बात करें कि किस किस एंगल पे हमारे पास हो सकती है सिमेट्री तो हमारे पास यहाँ से अगर फाइंड करें टू पाई बाय वन ठीक है मतलब कि अगर टू पाए एंगल के साथ रोटेट करवा दें अपने क्रिस्टल को तो हमारे पास सिमिट्री मेंटेन रहेगी देन टू पाए बाय टू दैट इज पाए मतलब वन एट्टी डिग्री के साथ अगर अपने क्रिस्टल को हम रोटेट करवाएंगे तो भी हमारे पास सिमिट्री मेंटेन रहेगी देन वी हैव टू पाए बाय थ्री देन टू पाए बाय फोर दैट इज नाइंटी डिग्री देन टू पाए बाय सिक्स दैट इज पाई बाय थ्री विच इज सिक्सटी डिग्री ठीक है पहला हमारे पास क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री दिस इज वन एटी डिग्री देन टू पाई बाय थ्री कैलकुलेट करने ही कितना होता है ठीक है पाई बाई टू इज नाइन्टी डिग्री देन दिस इज पाई बाई थ्री विच इज सिक्सटी डिग्री तो ये हमारे पास रोटेशंस पॉसिबल होती हैं जिनके साथ हमारे पास क्रिस्टल जो है वो सिमेट्रिकल ही रहेगा चाहे आप इन्हें कितनी वन टू थ्री फोर एंड सिक्स फोर रोटेशंस अगर लगवा दो हमारे क्रिस्टल के ऊपर तो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक ही रहेगा उसमें कोई भी हमें चेंजेस नहीं दिखेंगे देन जैसे ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन एक कंपलसरी कंडीशन थी रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन एक कंपलसरी कंडीशन नहीं है और अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन में रोटेशन हमारा होगा अबाउट अ पॉइंट ठीक है किसी पॉइंट के रेफरेंस में हम अपने क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने ये बनाया था तो इस पॉइंट के अबाउट हम इस क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो दिस रोटेशन विल बी अबाउट अ प्लेन ठीक है अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने बनाया था ठीक है तो इस क्रिस्टल को अगर हम रोटेट करवाएंगे तो ये अगर हम कोई प्लेन कंसिडर कर लें तो इस प्लेन के अबाउट हम इस क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे अगर ये वाला प्लेन कंसिडर करें तो इस प्लेन के अबाउट हम इस क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे ठीक है तो ये कंडीशन है ऑपरेशन की। Then we have reflection symmetry operation. अब रिफ्लेक्शन ऑपरेशन से हम क्या समझेंगे कि हमारे पास एक मिरर ऑप इमेज दिखनी चाहिए हमारे क्रिस्टल की जैसे अगर हमारे पास एक प्लेन है ठीक है ये, ये हम मिरर कंसिडर कर लेते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से कोई क्रिस्टल है तो सेम हमें यहाँ पे भी एक क्रिस्टल उसकी मिरर इमेज शो होनी चाहिए जैसे हम मिरर में देखते हैं ना कि राइट right हैंड हमने खड़ा किया तो हम मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे हमने कोई एक एरो लगा दिया तो इस क्रिस्टल के यहाँ पे हमें ये एरो दिखेगा ठीक है तो यही होता है ना मिरर इमेज हमें दिखनी चाहिए तो कोई भी क्रिस्टल है उसे उसकी मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन सिमिट्री ऑपरेशन सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि मिरर लाइक इमेज हमें दिखनी चाहिए और अगर इसकी बात करें रिफ्लेक्शन की टू डायमेंशन में इट विल बी अबाउट अ लाइन जैसे हमने यहाँ पे एक टू डी इमेज ही शो की है तो ये एक लाइन के अबाउट था ठीक है और अगर हम थ्री डायमेंशन में बात करें तो इट विल बी अबाउट अ प्लेन थ्री डायमेंशन में हमारी जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ये किसी प्लेन के अबाउट शो होगी और अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन इन टू डायमेंशंस चलो वो हम चीजें बाद में डिस्कस कर, करेंगे एक चीज जैसे हमारे पास एक पॉइंट ग्रुप सिमेट्री होती है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। अगर हम पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की बात करें तो ये आती है रोटेशनल प्लस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन और रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन को अगर हम ऐड कर दें दोनों ऑपरेशन को लगा दें किसी क्रिस्टल के ऊपर तो उसे हम कहेंगे कि वो पॉइंट ग्रुप फॉर्म हो रहा है ठीक है मतलब रिफ्लेक्ट और हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिफ्लेक्शन विद रोटेशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन विदाउट रोटेशन भी यहाँ पे हो सकता है तो अगर टू डायमेंशन में देखें इसके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास टेन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रिफ्लेक्शन uh, और रोटेशन के कॉम्बिनेशन को मिला के जो हमारे पास पॉइंट सिमेट्री आई है और अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें तो हमारे पास टोटल थर्टी टू कॉम्बिनेशन होते हैं अगर हम रिफ्लेक्शन और रोटेशन को मिला दें जैसे हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ़ फोल्ड हैं और रिफ्लेक्शन सिमिट्री ऑपरेशन में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि इन डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें रिफ्लेक्शन सिमिट्री अगर रिफ्लेक्शन सिमिट्री की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस टाइप का कोई शेप है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ पे कोई ड्रॉ करें प्लेन तो यहाँ पे हमारे पास एक वन फोल्ड सिमेट्री शो होगा ठीक है ये एक हमारे पास रोटेशन रोटेशन एक्सिस है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा नेट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये थोड़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम सिर्फ इतनी बेसिक बेसिक चीजें ही डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन uh, हमारे पास हो सकते हैं अगर हम पॉइंट ग्रुप की बात करें ठीक है तो इतना सा बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर टू डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है थ्री डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास थर्टी टू कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे इन रिफ्लेक्शन सिमिट्री ऑपरेशन ठीक है और अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें विच इज इन्वर्जन इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन अब इन्वर्जन क्या होता है कि हमें इन्वर्ट कर देना है किसी चीज को ठीक है मतलब उल्टा कर दो उस चीज को तो हमारे पास वो इन्वर्जन होगा जैसे अगर हमारे पास ऐसे कोई हम कोई प्लेन कंसिडर कर लेते हैं ठीक है एक मिनट ये हमने कोई प्लेन कंसिडर किया ये हमने कोई पॉइंट लिया जहाँ से ये वेक्टर हम कह रहे हैं कि आर वेक्टर है तो अगर हम इस पर इन्वर्जन ऑपरेशन लगाएं इस साइड पे दैट इज उसके पीछे वाली साइड पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर वेक्टर ठीक है अगर हम ये यह, यहाँ से आगे जाएंगे और सेम डिस्टेंस हम पीछे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास सिमिलर कंडीशंस दिखनी चाहिए क्रिस्टल की तो उसे हम कहेंगे कि एक सिमिट्रिक ऑपरेशन हुआ कौन सा इन्वर्जन सिमिट्री ऑपरेशन मतलब कि एनवायरमेंट जो है आर वेक्टर पे पहुंचने के बाद और इस पॉइंट के पहुंचने के बाद हमारे पास सेम uh, मतलब आइसोट्रोपिक क्रिस्टल हमें शो होना चाहिए ठीक है इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद ये जो पॉइंट ग्रुप है ना इसमें हमारे पास इन्वर्जन सिमिट्री ऑपरेशन भी आता है ठीक है तो इसे इंक्लूड करके भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होंगे तो ये तो था सिंपल अगर हम रोटेशन की बात करेंगे सॉरी कि ऑपरेशन कितने होंगे सिमिट्री ऑपरेशन अगर हम नेक्स्ट देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है एक दैट इजिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर अगर नेट गेट के लिए अपेयर हो रहे हो तो हमारे पास ब्रावेज लेटेसिस की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए ठीक है अगर हम सबसे पहला केस लें दैट इज टू डायमेंशनल केस ठीक है टू डी में हमारे पास क्या होता है वी हैव फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अब ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है वो भी हम देखेंगे एंड वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ ये कब होगा जब हम टू डायमेंशनल केस कंसिडर कर रहे हैं ठीक है टू डायमेंशन में सिंपल क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है इंटरव्यू में कि टू डायमेंशन में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है और कितने नंबर ऑफ ब्रावे लैटसेस हमारे पास प्रेजेंट होंगे ठीक है तो अगर हम ब्रावे लैटिस की बात करें कि ब्रावेस होते क्या हैं तो दीज आर द पॉसिबल लेटेस दैट फॉलो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन ये जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन हमने पिछली स्लाइड में देखे थे कि इन्वर्जन रोटेशन और रिफ्लेक्शन को मिला के जो हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन आते हैं वो हमारे पास पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं तो इन पॉइंट ग्रुप सिमिट्री ऑपरेशन को फॉलो करने वाले जो लाइटिस है, हैं वो है ब्रावेिस ठीक है तो ब्रावेइस सिमेट्री ऑपरेशन ठीक है ये पॉइंट ग्रुप सिमिट्री ऑपरेशन को फॉलो करते हैं क्रिस्टल सिस्टम क्या है हमारे पास अब किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि ए बी और एल्फा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को अगर आपको एक्सप्लेन करना है उसकी डिटेल देनी है कि क्रिस्टल सिस्टम में क्या अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में डिफरेंस कैसे होता है तो उनके ये जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं इनके डिफरेंस जो है वो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं दैट इज़ फर्स्ट वन इज ए बी एंड एल्फा अब ये ए बी और एल्फा क्या है वो हम अलग अलग अभी देखेंगे ठीक है ए और बी ये एक एक्चुअली हम वेक्टर्स कह सकते हैं अगर हम फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम कंसिडर करें दैट स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है अगर हम स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें अब क्योंकि हम यहाँ पे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर क्या है एक टू टू डायमेंशनल हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा तो स्क्वायर क्या है उसकी सारी साइड्स सेम होती हैं तो अगर हम ये वाला वेक्टर देखें दैट इज ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर देखें दैट इज बी वेक्टर तो स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर ठीक है या फिर इसे हम कोई एक कॉमन ए वेक्टर ही कह देते हैं कि ए और बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे सेम है और यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास ठीक है अब अल्फा क्या है हमारे पास ए और बी वेक्टर के बीच में जो हमारे पास एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है नाइन्टी डिग्री सो so, अल्फा विल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो ये हमारे पास एक स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ठीक है और नंबर ऑफ ब्रावेस लैटिस यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे नंबर ऑफ ब्रावे लैटिस इट इज इक्वल टू वन ठीक है इसी टाइप का हमारे पास मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास एटम्स uh, या मॉलिक्यूल या आइन जो है वो प्रेजेंट होंगे और यहाँ इस स्क्वेर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का ब्रावेस लेटस lattice होगा जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया देन वी हैव रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है एक हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा रेक्टेंगल की शेप होगी हमारे पास अगर हम इसे ए वेक्टर कहें और ये हमारे पास बी वेक्टर है और ए और बी के बीच में ये हमारे पास अल्फा एंगल है तो यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्योंकि रेक्टेंगल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी नाइनटी डिग्री ठीक है रेक्टेंगल में हमें वैसे भी है कि ए और बी जो हमारे पास यहाँ पे ये वेक्टर्स होंगे इनके बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है अब ये यहाँ जो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसमें नंबर ऑफ ब्रावेस कितने होंगे दो ठीक है एक तो हमारे पास होगा ये प्रिमिटिव लैटिस प्रिमिटिव हमारे पास एक ये प्रिमिटिव लैटिस बनेगा जिसपे सिर्फ साइड पे कॉर्नर्स पे हुई ही, हमारे पास जो एटम्स है वो प्रेजेंट होंगे ठीक है इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर प्रिमेटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है नॉन प्रिमेटिव रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जिसे हम रेक्टेंगुलर सेंटर्ड भी कहते हैं उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे एटम्स बट यहाँ पे सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा ठीक है ये ए और बी और ये नाइन्टी डिग्री ठीक है तो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप के लैटिसेस हैं फर्स्ट वन इज प्रिमेटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमेटिव प्रिमेटिव में हमारे पास सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होंगे और नॉन प्रिमेटिव में हमारे पास सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा अदर देन कॉर्नर वन देन थर्ड वन हमारे पास है हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा वैसे तो हमारे पास हेक्सागन ऐसा होता है लेकिन अगर हमें प्रिमिटिव की बात करनी है तो हम सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करेंगे ठीक है तो इसका एक्चुअल में शेप हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा ठीक है ये हमारे पास ए वेक्टर होगा ये हमारे पास बी वेक्टर होगा यहाँ पे कंडीशन क्या होगी ए विल बी इक्वल टू बी ठीक है मतलब कि इसे हम कह सकते हैं ए वेक्टर ही है ये ठीक है ए और बी यहाँ पे सेम होते हैं और यहाँ पे जो अल्फा है बी इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री मतलब इन दोनों के जो बीच में एंगल है ये वन ट्वेंटी डिग्री बन रहा है अब क्योंकि ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स और लैटिस हमें कंसिडर करने हैं यहाँ पे जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिडर किया रेक्टेंगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया हेक्सागोनल है ठीक है तो यहाँ पे हम हैक्जागनल uh, का हम प्रिमेटिव पार्ट कंसिडर करेंगे ठीक है जो कि ये वाला था वैसे हेग्जागन का इस ऐसा शेप होता है लेकिन हम प्रिमेटिव कंसिडर हैं तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन इसका कंसिडर करना है और इसकी कंडीशन क्या है कि ए विल बी इक्वल टू बी एंड इसका एल्फा जो है इट विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री देन वी हैव Fourth type, which is oblique. Oblique भी हमारे पास कुछ ऐसे होता है टेढ़ा सा ठीक है यहाँ पे condition क्या होगी कि a is not equal to b, जैसे hexagon में same हमारे पास स्ट्रक्चर अगर देखे वैसा ही है बट यहाँ पे ए और बी दोनों सेम थे लेकिन ओब्लीक में हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी ठीक है ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड alpha की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डिग्री और ये भी हमारे पास प्रिमिटिव ही होता है मतलब इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे यहाँ पे हेक्सागन में भी हमारे पास सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट थे तो अगर हम यहाँ पे देखें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास कितने हैं चार दैट इज फर्स्ट फोन स्क्वायर देन रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल एंड ओब्लिक ठीक है सिर्फ हेक्सागोनल एक सॉरी uh, रेक्टेंगुलर एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास दो ब्रावेज लैटिसेस हैं फर्स्ट वन इज प्रिमेटिव एंड द सेकेंड वन इज नॉन प्रेमेटिव और इसके आपको सिंपली अल्फा uh, और ये जो ए और बी के रिलेशन है यही आपको याद रखने हैं स्क्वायर में पता बताइए कि सारी साइड सेम होती हैं तो ए इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल की बात करें हमें है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देन अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है कि ए इज इक्वल टू बी ठीक है और अल्फा की वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री जो कि हमें वैसा वैसे भी पता ही है कि हेक्सागोनल अगर हम हेक्सागन शेप देखेंगे तो ये जो एंगल होता है दो साइड्स के बीच में इट इज इक्वल टू 120 डिग्री देन ओब्लीक जो है वो हेक्सागोनल शेप का ही है बट यहाँ पे क्या होगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड एल्फा इज नॉट इक्वल टू नाइन्टी डिग्री यहाँ पे एल्फा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है तो ये थे सिर्फ अगर हम टू डायमेंशन की बात करें अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थ्री डायमेंशन में किस टाइप के ब्रावेज लेटसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं सेवन और ब्रावेस लैटिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोर्टीन ठीक है तो वो कौन से कौन से हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे वो हम देख लेते हैं अगर हम ये जो सारे हमने टेबल बनाया है ये हमारे पास सेवन टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं इन थ्री डायमेंशन एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फोर्टीन बराबरी स्लेटसेज होते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हैं ढके जैसे कि फर्स्ट वन अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है क्यूबिक ठीक है क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होगा ठीक है ऐसे हम क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन टाइप के ब्रावेज लेटेसेज हैं फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल देन वी हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल देन वी हैव फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और इसमें हमारे पास कंडीशन होती है क्योंकि एक क्यूबिक सिस्टम है तो इसके तीनों साइड सेम होंगी ठीक है थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो तीन साइड्स होंगी हमारे पास ए बी और सी हमारे पास सेम होंगे और इस इनके बीच में जो एंगल है ए और बी के बीच में एंगल क्या है हमारे पास एल्फा देन बी और सी के बीच में हमारे पास बीटा है देन ए और सी के बीच में हमारे पास एंग एल्फा सॉरी गामा एंगल है और ये तीनों एंगल जो हैं वो हमारे पास नाइन्टी डिग्री के होंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल थी देट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे तीन टाइप के ब्रावेज लेटेसेज हैं सिंपल बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर देन सेकेंड वन इज टेट्रागोनल सिस्टम ठीक है टेट्रागोनल में हमारे पास दो टाइप के ब्रावेज लेटेसेस होंगे फर्स्ट वन इज सिम्पल टेट्रागोनल देन वी हैव बॉडी सेंटर टेट्रागोनल ठीक है इसका यहाँ पे रिलेशन क्या होगा ए विल बी इक्वल टू बी ए विल बी इक्वल टू बी बट इट विल बी नॉट इक्वल टू सी ए और बी हमारे पास सेम होंगे बट सी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट होगा देन एंगल हमारे पास फिर से सारे एंगल हमारे पास नाइन्टी डिग्री के होंगे देन वी हैव ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम यहाँ पे हमारे पास सिंपल ऑर्थोगोनिक भी हो ऑर्थोरम्बिक भी होगा देन वी हैव बॉडी सेंटर्ड हैोम्बिक फेस सेंटर्ड ऑर्थोरम्बिक एंड एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक ये एंड सेंटर्ड क्रिस्टल जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के ब्रावेस ब्रावे लैटिस होंगे ऑर्थोरोम्बिक में और यहाँ पे ये जो इनके सारे साइड uh, हैं वो अन होंगी एंड हमारे पास कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि अल्फा जो है इट इज इक्वल टू बीटा एंड एंड यहाँ पे जो गामा है वो भी हमारे पास नाइन्टी डिग्री का होता है ठीक है इट विल बी इक्वल टू गामा इट इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक है देन हमारे पास है ट्राइगोनल सिस्टम ठीक है ट्राइगोनल सिस्टम में हमारे पास uh, क्या है सिंपल ट्राइगोनल सिस्टम सिर्फ एक ही टाइप का ब्रावेस स्लेटस है यहाँ पे ठीक है ट्राइगोनल में और इसमें हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कंडीशन होगी यहाँ पे यहाँ पे अल्फा और बीटा एंड गामा तीनों इक्वल है बट इनका जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री के इक्वल नहीं है जैसे पहले तीनों सिस्टम्स में हमारे पास एंगल जो अल्फा बीटा गामा है वो नाइन्टी डिग्री के इक्वल था बट ट्राइगोनल में नाइन्टी डिग्री के इक्वल नहीं होगा देन वी हैव हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम और यहाँ पे भी हमारे पास एक ही टाइप का ब्रावे लैटिस है दैट इज़ सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल एंड यहाँ पे हमारे पास होगा कंडीशन क्या कि ए विल बी इक्वल टू बी बट दिस बोथ आर नॉट इक्वल टू सी एंड एंगल्स हमारे पास अल्फा बीटा नाइन्टी डिग्री हैं गामा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री देन वी हैव मोनोक्लिनिक यहाँ पे दो टाइप के ब्रावेज लाइट हैं सिम्पल और बॉडी सेंटर और यहाँ पे कंडीशन क्या है ये तीनों साइड अन एकवल है एंड एल्फा और गामा हमारे पास नाइन्टी डिग्री है बट ये अल्फा और गामा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है मतलब बीटा क्या है नाइंटी डिग्री के इक्वल नहीं है देन वी हैव ट्राईक्निक सिस्टम एंड यहाँ पे सिंपल ट्राईक्निक ब्रावेज लाइटिस होगा यहाँ पे भी हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल नहीं है एंड ये जो एंगल हैं ये सारे हमारे पास नाइन्टी डिग्री के इक्वल नहीं है और ये एक दूसरे के भी इक्वल नहीं है तो ये सारा जो टेबल है इसे लर्न करने के लिए सिंपल ट्रिक अगर हम कंसिडर करें तो आपको क्या करना है ये सेम ऑर्डर ही आपको लर्न करना है ठीक है तो इसे लर्न करने के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने अपने आप ये एक ट्रिक बनाई थी कि इसके सारे पहले लेटर्स को याद कर लो जैसे सी टी ओ टी M टी ठीक है ये क्यूबिक का सी टेट्रागोनल का टी ऑर्थोरोम्बिक का ट्राइगोनल का टी तो सी टी ओ टी M टी ये कोड आप याद रख लो इसका ठीक है इसे सीक्वेंस में याद करने के लिए बस ये याद रखना है कि सबसे पहले ही जो टी है वो बड़ा वाला टी है ठीक -ट्रा -ट्रा है ट्राइगोनल टेट्रागोनल सॉरी टेट्रागोनल देन उससे छोटा आएगा ना ट्राइगोनल एंड ट्राईक्निक लास्ट में आप याद रख सकते हो क्योंकि मोनोक्निक आ रहा है तो लास्ट में एन आई सी और एन आई सी वाले सेम रहेंगे ठीक है तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे ये एम फॉर मोनो है तो इसमें ये क्लिनिक आ गया तो लास्ट भी हमारे पास ट्राई क्लिनिक वाला ही होगा देन फर्स्ट वाले पे याद रख सकते हो कि ये टेक्ट्रागोनल बड़ा वाला नाम है देन वी हैव छोटा वाला नाम ठीक है फर्स्ट वन इज टेट्रागोनल एंड देन वी हैव ट्राइगोनल अब इनके रिलेशन जो है ए बी सी ये ये आपको कैसे याद रखने हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये जो एंगल्स हैं पहले तीन सिस्टम्स में एंगल जो है वो सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल है और तीनों जो एंगल्स है वो सेम है और इनके जो साइड्स की बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या है तीनों साइड्स इक्वल है देन हम पीछे से देखेंगे पीछे से एक साइड अनइक्वल हुई देन आगे बढ़े तो दोनों साइड्स ही अनइक्वल हो गई ठीक है पहले में क्या है कि दोनों तीनों साइड्स इक्वल हैं दो इक्वल टू साइन आ गए देन सेकंड वाले में टेट्रागोल में क्या होगी एक एक अनइक्वल वाला साइन आ गया पीछे से देखेंगे देन फिर हमने यहाँ पे देखा ऑर्थोरोम्बिक में तो दोनों ही अनइक्वल वाले साइड्स आ गए देन ट्राइगोनल में देखो फिर से ये पैटर्न रिपीट हुआ ठीक है जब हमने तीनों साइड्स को अनइक्वल कर दिया उसके बाद फिर से इक्वल वाली साइड होगी देन फिर से यही चीज हुई पीछे से देखा तो ये फिर से अनइक्वल वाला साइन आ गया देन फिर से हम आगे गए तो ये एक और अनइक्वल वाला साइन आ गया मतलब कि ये ये जो पैटर्न है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये रिपीट होगा ठीक है जैसे तीनों ये ऐसे आगे पहला सारे इक्वल देन पीछे से एक एक अनइक्वल देन दोनों अनइक्वल तो यही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो रहा है ठीक है ये तीनों वाला पैटर्न हमारे पास फॉलो हुआ इस पैटर्न को लर्न करना है आपको देन ये सारा सेम आ गया ठीक है ये पैटर्न सेम आ गया अब लास्ट में बचा ट्राई क्लिनिक तो इसी को रिपीट कर देना है ठीक है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो एंगल में देखो तीनों एंगल सेम थे और नाइन्टी डिग्री के इक्वल थे अब फोर्थ वाले में क्या होगा एंगल्स तो सेम है बट नाइनटी डिग्री के इक्वल नहीं है ठीक है देन लास्ट में एक चीज़ ये देख सकते हो कि ये सारी साइड्स भी अनईक्वल हैं और सारे एंगल्स भी अनईक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल एक भी नहीं है और हेक्सागोनल में देखोगे तो आपको वैसे भी याद होगा कि एक एंगल 120 डिग्री का होता है ठीक है तो गामा हम 120 डिग्री के इक्वल लेंगे एल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा देन नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा एल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे और इट विल बी नॉट इक्वल टू बीटा ठीक है तो ये सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो देखो साइड्स वाला तो सही है कि तीन ये जो तीन साइड्स हैं ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है और लास्ट वाले में आपको क्या रखना है कि सारी साइड्स अनईक्वल हैं सारे एंगल्स भी अन हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है और अगर हम स्टार्टिंग से एंगल्स का देखें तो तीनों सिस्टम्स में एंगल सेम है और 90 डिग्री के इक्वल हैं फोर्थ वाले में एंगल सारे ही सेम है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है देन फिफ्थ वाले में क्या है अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल है और सिक्सथ वाले में अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है ठीक है और फिफ्थ हेक्सागोनल में ये भी याद रखना है कि गामा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री और मोनोक्लिनिक में याद रखना है कि बीटा जो है वो अल्फा और गामा के इक्वल है ही नहीं ठीक है इसका हमारे पास रिलेशन रिलेशन ही नहीं है ठीक है ये कंसिडर करके चल सकते हो तो ये थे थ्री डायमेंशन में ब्रावेस लैटेसेज अब फोर्टीन कैसे हुए अगर इसे काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो ये हमारे पास फोर्टीन ब्रावेस लैटसेज आ गए सिम क्यूबिक सिस्टम में तो आपको पता ही कि सिंपल और बी सी सी एफ सी सी होते हैं हमारे पास ठीक है और टेक्ट्रागोल में आप याद रख याद रख सकते हो कि पीछे से एफ सी सी वाला हटा दिया हमने तो सिर्फ सिंपल और बॉडी सेंटर्ड रह गया देन ऑर्थोरोम्बिक बड़ा नाम है तो यहाँ पे भी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई होगी मतलब सारे के सारे हमारे पास जो प्रिमेटिव सेल्स थे यूनिट सेल्स थे वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे सिंपल बी सी क्या कहते हैं बॉडी सेंटर फेस सेंटर और एंड सेंटर देन याद रखना कि ट्राइगोनल और हेक्सागोनल ठीक है इन दोनों में सिर्फ सिंपल ही प्रेजेंट होंगे सिंपल ट्राइगोनल और सिंपल हेक्सागोनल देन मोनोक्लिनिक में याद रख सकते हो कि सिर्फ दो ही हैं सिंपल मोनोक्लिनिक और बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक अगर आप देखो इसी पैटर्न में अगर आप फॉलो करोगे सी टी ओ टी एच एम टी में फर्स्ट से देखोगे सेकंड वाला तो इसमें भी सिंपल और बॉडी सेंटर्ड है और पीछे से सेकंड वाला देखोगे तो इसमें भी सिंपल और बॉडी सेंटर्ड है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो देन ट्राई क्लिनिक में सिंपल एक ही है हमारे पास ठीक है तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो अगर इन्हें लर्न करना है आप अपनी ट्रिक से भी इसे लर्न कर सकते हो बट ये फ़िलहाल था जो जिससे मैंने इसे लर्न किया था तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलर इंडस और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के फॉर्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे और होपफुली सिंपल क्यूबिक और बीसीसी भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो थैंक यू